सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ना नहीं आनी तेरी याद हर दफा, कौन समझाए जब टूट जाए साए हाय रब जब हो वही जैसा। भाई रात को देखा ही होगा कितना खतरनाक तरीके से आए थे, रात में इतना ज़्यादा थक गया था ना क्या ही बताऊँ, ना वीडियो बनाया ना कुछ ही, जस्ट खाया और सो गया। बाकी आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। अरे उठ गया यार, अरे अभी देख रहा हूँ तेरे को। और तो चले बीच चलना है क्या भाई, बीच जाएंगे क्या? नहीं यार। तो यार तो चल बीच जाना है क्या घूमने? बीच नहीं है, किनारे में जाएंगे। बीच मतलब इंग्लिश में कहा था जी मैं। तीर ला बीच का थे नहीं गा, समुद्र के तीर लगा, कैसे नहीं जाना इसका तो। तो ये वाले रूम में रह रहे थे हमारे भैया, मस्त सो रहे हैं, ये देखो ओ माय गॉड, थोड़ा नज़ारा देख लो भाई, मजा लेने हैं तो। उसके बाद एक रूम है और ये अभिजीत भैया तो सो ही रहे हैं अभी तक क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बाकी मतलब अच्छा यार, बहुत ही एक घर है, पूरा घर को ले लिया हम लोग। बाकी ये देखो भाई, ओ माय गॉड, यही तो देखने के लिए वाइजैक आया था यार मैं, कितना तगड़ा नज़ारा है यार। एक सेकंड ऊपर जाके दिखाता हूँ। और ये देखो इतना मस्त रूम है, मतलब पूरा घर ही हम लोग का है, सही है, बहुत तगड़ा है भाई। अच्छा मतलब वैल्यू फॉर मनी है ये बोल सकता हूँ मैं। यहाँ अब दिखाता हूँ, तैयार रहना मेरे भाई लोग। ये देखो वाओ, जन्नत में आ गया हूँ यार, क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया भाई, क्या लग रहा है देखो। प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है भाई व्यू, ये यहाँ पे घर बिल्डिंग है भाई साहब। मैं तो फर्स्ट टाइम समुद्र देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं देखा ही नहीं हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। अरे हाँ मस्त है, ये देखो यार हवा चलते रहता है, बहुत ही ताबड़तोड़ मस्त हवा चलते रहता है। तो चलो अब सीधा हम लोग चलेंगे तो बीच में, मस्त नहाएंगे धोएंगे मस्ती करेंगे अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है आज वाइजैक में फिर से एक दिन मतलब स्टे कर लें हम लोग, क्योंकि थक गए थे रात में तो फिर अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो घूमेंगे फिरेंगे भाई, बस आज का यही प्लान है। तो चलो भाई साहब मजा आ रहा है ना। हे और भैया गुड मॉर्निंग। तो चलो ना यार, आपका इंतजार हो रहा था, जल्दी जाना है क्या जी? अरे चालू है बस बस, मैं क्या थोड़ा फ्रेश हो रहा था तो ये अपने भाई को क्या है पतला टट्टी हो रहा है उसके चक्कर में लेट हो गया था ना यार, पेचिस हो गया रात। अरे यार तो तेरे केकड़ा खिलाऊंगा फिर खुश रहेगा। चल ना यार राहुल, तो अपना चट्टी ढूंढने में समुद्र चट्टी टट्टी हो गए हैं। क्या बोला तूने? चट्टी टट्टी हो गए हैं। बड़ा व्लॉगर है आपके सामने। या तो कहाँ जाएंगे दोस्तों? अभी जा रहे हैं हम लोग बीच, नहाएंगे थोड़ा सा, एंजॉय करेंगे। अरे अरे उसके बाद चलो फिर से नहाएंगे धोएंगे यहाँ अच्छे से, फिर उसके बाद वीडियो बनाएंगे। ओह माय गॉड, डर गया था मैं। चलो ओ भाई साहब, तो फिर हम लोग वाइजैक की गलियों में निकल चुके हैं भाई नहाने के लिए। मजा आने वाला है भाई, नजारा देखो आसपास, बहुत बढ़िया लग रहा है, कितना साफ सफाई है यार। ओ माय गॉड, ये देखो मतलब लगभग थोड़ा थोड़ा भिलाई वाला फील आता है हल्का सा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जगह देखो भाई कितना बढ़िया लग रहा है, वाह एक नंबर यार, कई तगड़ा भाई, क्या व्यू है यार, एक नंबर लग रहा है। आगे आगे तो भाई साहब कितना तगड़ा नज़ारा है यार, एक नंबर लग रहा है भाई, एक नंबर। ओ माई गॉड, यहाँ का रोड रास्ता भी ताबड़तोड़ है यार, ऊपर ऊपर पहाड़ कई तगड़ा लग रहा है ना। देखो बीच में आ गए हैं हम लोग, यहाँ पे टिकट कटवाएंगे उसके बाद कटवा लेते हैं अपना। भाई मैं फर्स्ट टाइम समुद्र देख रहा हूँ, कसम से क्या फील आ रहा है ना बता ही नहीं सकता मैं। अरे बाप रे, ए यार मेरे बिना खा रहे हो आप, ये गलत बात है क्या है? अरे भाई मैं फेवरेट है, अरे अला भाई
हम लोग सुबह 6 बजे उठ के आ गए थे। अरे फुल नहाए हैं। नहा लिया आप लोग? मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम बीच देख रहा हूँ। एक आध घंटा सुनना, एक ऑर्डर करते हैं। कहाँ पे? ठीक है, ये देखो भाई समुद्र क्या लग रहा है। रुको थोड़ी देर बाद जाऊंगा, लेकिन माँ कसम यार, एक सेकंड पहले खा ही लेते हैं भाई। तो भाई अपने अपन ने खाए है इडली, और मैंने ऑर्डर किया है, मैंने क्या ऑर्डर किया है यार? अंडा मैगी। यहाँ का अंडा मैगी अच्छा लग रहा था, पता नहीं देखते हैं कैसा लगेगा। इडली तो लोग ख़त्म कर दिए, हम खाते हैं उसके बाद नहाने जाते हैं, क्या बोलता है यो। बाकी माहौल देखो, सब बाहर के ही है, देख के लगता नहीं है कि सब है क्या, सब टूरिस्ट ही हैं। यहाँ महंगा होगा यार कपड़ा वपड़ा, ट्राई करता हूँ पूछ के। अभी प्राइस पूछे नहीं है, लेकिन कुछ लोग मेरे को बोल रहे थे यहाँ सस्ता है। ठीक है, सैंडो लेके देखूंगा जिम में जाने के लिए, मैं सोच रहा था। तो बता कैसा है, पता कैसा लगा? सही है, मैं भी खा ही लेता हूँ बढ़िया। ये देखो भाई, यहाँ जिंदगी में पहली बार मैं आया हूँ यहाँ पे। ऐसा बोलने में शर्म आ रहा है, लेकिन क्या शर्म आ रहा है, सही में पहली बार आया हूँ मैं भाई साहब। वाह कितना मस्त लग रहा है यार, मजा आ गया देख के। उधर है नाव, अरे यार पत्थर मस्त लग रहा है भाई, मजा आ गया। अरे यार ऐसे लहर आ रहा है तो देख के मजा आ रहा है मेरे को। क्या बात है राहुल, मजा करेंगे यार। ठंडा लग रहा है? नहीं यार नहाना तो पड़ेगा तेरे को। चलो भाई साहब चलते चलते आ रहा है कि मैं व्लॉग तो बना ही नहीं रहा हूँ। व्लॉग बनाने ही भूल गया था भाई। मतलब बढ़िया माहौल यार, देख के बहुत मस्त लग रहा है। इधर फोटोग्राफर अपने भैया लोग भी हैं, फोटो वोटो खिंचवाना होगा किसी को तो खिंचवा सकते भाई। मस्त हवा आ रहा है यार, पूरा बाल हिल रहे, देख मजा आ रहा है यार। वहाँ समुद्र में जाने से पहले तो ऐसी मतलब ठंडा लग रहा है, देख के जाने का मन ही नहीं कर रहे। बाप रे, ओह अरे अपना भाई तो चला गया यार। अरे अबे आ अबे कितना दूर जा रहे हैं। वाह गया, मजा करके थोड़ा सा एक आध बार और जाऊंगा, उसके बाद हो गया फिर। लेकिन सर बहुत दर्द कर रहा है राजीव सर, पानी कमी हो गया लगता है। तो फिर ये था अपना आर के बीच, मजा आ गया भाई। जाते प्रिकॉशन लेते हुए आना, अब छोटे छोटे बच्चे लोग को इतना ज़्यादा आगे मत जाने देना, बाकी मतलब गड्ढा रहता ही नहीं यार। मेरे को लगता था कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे गड्ढा रहता होगा, अंदर घुस जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अपना भाई तो 4-5 बार आ गया है, मजा लेते हो फुल बॉडी, मजा आ गया। तो बहुत मजा लिया है यार, बढ़िया जगह है यार। मतलब अपने फैमिली के साथ घूमना हो, आपको वेकेशन में जाना हो कहीं अच्छा घूमने, तो घूमने के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है, पता है। उसको डर नहीं लग रहा है? अरे बाप रे भाई साहब, ऋषिकुंडा आने के आर के बीच का मैप हो कुछ इस तरह, मजा आ गया। लेकिन इधर देखना है भाई, मस्त साफ सुथरा, सब लोग एकदम आते हैं मस्त, छोटा छोटा चड्डी पहन के और सब लोग नहाते हैं। लेकिन भाई नमकीन लगता है तो खतरनाक अजीब सा फील आता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था, आप लोग अगर कभी ऐसा बीच में जाके नहाए होगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी हमारी बाइक तो भाई क्या ही, ये भी मतलब इतना खतरनाक वाला राइडिंग चल रहा है ना सब लोग का, 100 से तो मतलब कम तो हम लोग जा ही नहीं रहे, क्योंकि सब सुपर बाइक वाले दो जन भैया लोग के चक्कर में ना गाड़ी धीरे चला ही नहीं सकता था, क्योंकि जैसे मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता था ना तो सब गायब भाई, सबके सब गायब, पता है। मतलब सुसु करने भी रुक जाओगे ना तो फिर मिस कर दोगे सबको, इतना जोर से गाड़ी चलता है। अब पूरा टायर घिस रहा है, देखो पूरा टायर खत्म होने वाला है। चलो रूम चलते हैं, तो फिर
बहुत बढ़िया माहौल है, लेकिन जरूर आना एक बार, विजिट करना, मजा आ जाएगा। तो चलो भाई साहब, अब अपन वाइजैक एक्सप्लोर करेंगे। सब रेडी हो गए, मेरे बाइक को ल्यूप करूँगा फिर चलते हैं। अपने भैया लोग भी सब रेडी हो रहे हैं, चलो बाइक को ल्यूप करते हैं फिर चलते हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं याराडा बीच। याराडा बीच जाएंगे, हाँ याराडा बीच में जाएंगे और मज़े करके आएंगे। ऐसे में पेट्रोल पम्प मिल जाए और मेरा चैन भी थोड़ा सा ढीला हो गया, मतलब मेरे बाइक का चैन है। याराडा याराडा किधर जाना है, इधर अभी लेफ्ट। भाई विशाखापट्टनम की गलियों में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखो कस्टम है, जगह यार विशाखापट्टनम यार, इतना बड़ा फैक्ट्री वैक्ट्री, ये वो लहसुन पता नहीं ये क्या है भाई, खूबसूरत यार बहुत खूबसूरत। चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, ये टावर तो इधर है, इधर है, इधर है। आओ 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 ऑटो वाले भैया, खतरनाक। ये क्या है यार, मजाक, खतरनाक यार, आई कांट बिलीव दिस, बहुत तगड़े जगह। सबसे ऊपर जाएंगे तो और मजा आएगा। अरे बाप रे क्या लग रहा है भाई साहब, जहर जहर कतई जहर, क्या लोकेशन है यार, एक नंबर लग रहा है। जय बजरंग बली, चल मोए मोरे हो जाएगा जल्दी ले। हाँ चलो 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 भाई साहब, कितना खतरनाक रोड है रे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत बढ़िया विशाखापट्टनम, आना वैल्यू फॉर मनी है बहुत ज्यादा। माय गॉड क्या ही नज़ारा है, तगड़ा लग रहा है। हाँ यहाँ का लहर तो और बड़ा है भाई, वाकई यही सबसे डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, यही सबसे डेंजर है। हाँ भाई साहब, अभी कितना बड़ा है देखना, यहाँ यहाँ कूदेगा कैसे यार, बोल 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 कूदनेगा भाई साहब, खतरनाक तगड़ा लग रहा है यार ये याराडा बीच। याराडा, अरे भाई हम लोग बहुत लेट से आ रहे हैं, लेकिन ना क्या ही बताऊं, इतना ताबड़तोड़ खतरनाक वाला लहर है ना, अभी भी भीड़ है लेकिन यहाँ जाने का हिम्मत किसी में नहीं है। यहाँ आपको कोई भी नहाते हुए नहीं दिखेगा, ना ही कोई अंदर जाते हुए दिखेगा, बस नज़ारे का आनंद उठाते हुए लोग दिखेंगे आपको बस दूर से, क्योंकि पास गए मतलब ख़त्म भाई, कोई नहीं बचने वाला। देखो कितना बड़ा बड़ा लहर यार, मजाक टाइप खतरनाक। दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि मैं लेट से आया, लेकिन बहुत खतरनाक लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत यकीन नहीं हो रहा। राहुल तू आया था तो भी नहाया था क्या, नहाए थे तो इससे कम लहर रहा होगा ना दिन में, बापरे खतरनाक भाई। और ये सीप जा रही है, यहाँ पे सीप दिखाई दे रही है, देखो भाई साहब खतरनाक। हाँ तो चलो भाई साहब, बहुत लेट से आया यार हम लोग का, क्या ही बोल सकता हूँ, चलो आगे चलते हैं अब। तो भाई जो जैसा सोचा था ना वैसा तो मैं नहीं बना पाया हूँ, लेकिन इतना बढ़िया नज़ारा है देखो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि तूफान आंधी आंधी आने वाला है भाई, पूरा सुनामी आने वाला है, इतना बड़ा बड़ा लहर मतलब पूरा समुद्र पार कर दे रहा है। ये देखो, ओ माय गॉड, ये मेरे तक आया, नहीं 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 नहीं, ये देखो कितना खतरनाक है याराडा बीच ना, बहुत खतरनाक है बहुत ज़्यादा। तो बी सेफ, जैसे भी यहाँ है तो फिर बहुत ही प्रिकॉशन लेके आ भाई, यहाँ तो जाना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना, और रात को तो और भी नहीं। तो चलो
चलते हैं और किसी और जगह। अभी फिलहाल अभी आरके बीच भी जाना है अगर प्लानिंग हुआ तो चलो भाई बताता हूँ, सीधा मिलते हैं गाड़ी में। तो भाई साहब ये अपना आरके बीच खतरनाक भाई, ये भी बहुत ही अच्छा, और यहाँ का माहौल चेक करो ये, और इधर ये, मतलब इतने सारे लोग हैं, बहुत ही तगड़ा माहौल, बहुत सारा नारियल पेड़, कितना बढ़िया लग रहा है यार ये देखो, वाह मजा आ गया। बस क्या है ऊपर से दिखाने वाला था क्योंकि हम लोग को जल्दी जाना था, लेट हो रहा है, कुछ और काम है। तो अपन सब के सब राइडर भाई लोग आ चुके हैं, अपनी टेनार भी खड़ी है, तो चलो भाई साहब चलते हैं हम। सॉरी इसके लिए थोड़ा माफ करना कि पास से नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन भाई लहर देखो कितना खतरनाक है भाई, मतलब ऐसे लग रहा है कि सुनामी आने वाला है। रात जब होता है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा लहर का जो बढ़ जाता है साइज, ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत खतरनाक। बाकी इधर बहुत अच्छा माहौल है यार, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ये देखो, मतलब देख के ही समझ आ रहा है कितना ज़ोर से लहर आ रहा होगा, खतरनाक भाई। तो चलो भाई साहब चलो अब चलते हैं, कल सुबह ही व्लॉग दिखाऊंगा कल सुबह हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, वहाँ भी बहुत ही तगड़ा वाला व्लॉग होने वाला है भाई, मतलब अपन कल जगदलपुर वाला एरिया कवर करेंगे जाते जाते। तो चलो भाई साहब।